नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आपके लिए मैं बहुत बढ़िया बढ़िया यूनिक कंटेंट लेके आता रहता हूं। ये जो वीडियो है ये कम चलेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल कंटेंट है। आज हम इस बात वीडियो में बात करेंगे सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड के बारे में। और कि इंटीरियर दोस्त चैनल में कोई भी आदमी आए, किसी भी तरीके का कंटेंट वो ढूंढ रहा हो या कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ रहा हो, किसी का भी सवाल ढूंढ रहा हो, तो हमारा टारगेट ये है कि इस चैनल में हर तरीके का वीडियो जो यूज़र है, एक्चुअल यूज़र है, उसको मिल जाए, ताकि उसको कोई भी डिसीजन लेने में या कोई भी उसको मतलब मिसगाइड नहीं कर पाए। तो आज बात करते हैं सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड के बारे में। तो देखो, सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड जो नाम है, इसी से आपको पता चल रहा होगा, सेल्फ लेवल, ये अपने आप लेवल हो जाता है। और ये जो लगता है ये फ्लोर में लगता है। भारतवर्ष में इसका वैसे जो बड़े शहरों में या जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज वगैरह या कोई हाई एंड बंगलोज वगैरह बनते हैं, उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली भारतवर्ष में इसका कोई बहुत ज़्यादा अभी आज की तारीख में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी ये इंफॉर्मेशन जगह जगह तक पहुंच जाए अगर, और आपको लगता हो कि यार इसकी इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने फ्लोर बनाई तो फ्लोर में क्या होता है, अंड्यूलेशंस होते हैं। कहीं पे थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, कहीं पे थोड़ा हुआ उचका हुआ होता है, माइनर 2 mm, 1.5 mm, 3 mm का जो वेरिएशन होता है, उसमें ये सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड काफ़ी काम करता है। इंटरनेशनल मार्केट में या यूरोप में जो एडवांस कंट्रीज है, वहाँ पे तो जो टाइलें लगती है ना, विट्रीफाइड टाइल या सिरामिक टाइल लगती है, उसके लगने से पहले भी सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड से फ्लोर को बिल्कुल बराबर किया जाता है, ताकि टाइल बिल्कुल एकदम सीधी लगे, ऊंची नीची ऐसे नहीं लगे। क्योंकि आपने दो देखा होगा, भारतवर्ष में टाइलें कभी नीचे है, कभी ऊपर, कभी ऊंची, कभी नीची, ऐसे लग जाती है। क्योंकि हम सीमेंट से टाइलें लगाते हैं तो उसका जो थिकनेस होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कभी टाइल दब जाती है। इंटरनेशनली या यूरोप में या जो एडवांस कंट्रीज है, उनमें जो टाइल एडेसिव होता है, पॉलीमराइज टाइल एडेसिव, उसके मैंने वीडियो काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, उससे ज़्यादातर टाइल लगती है। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा उसका बेड जो होता है ना, जो केमिकल लगता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगता, तो वो टाइल को सिर्फ पकड़ के रखने का उसका काम होता है, लेवलिंग का कोई काम नहीं होता। लेवलिंग का काम सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड कर देता है। और इस भारतवर्ष में, इंडिया में मेजरली जहाँ पे वुडन फ्लोरिंग लगती है या जहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग लगती है या जहाँ पे वॉल टू वॉल कारपेट भी, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वॉल टू वॉल कारपेट लगने से पहले भी सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड लगाया जाता है। अब एक बार मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास वीडियो तो है नहीं, अगर कोई मिल गया तो मैं, या कोई फोटो होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें क्या होता है, सीमेंट और पॉलीमर और कुछ एडिटिव्स डल के एक पाउडर होता है, सीमेंट के कट्टे की तरह का बैग आता है, इसको हम एक डब्बे में डालते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनका इंस्ट्रक्शन होता है भाई इसमें इतना पानी डालना है, उतना पानी डाल करके मशीन से उसको मिक्स करना होता है, जो ड्रिल मशीन के ऊपर एक स्टीरर होता है मिक्सिंग के लिए डंडा, उससे मिक्स करना होता है कि प्रॉपर अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड होने के बाद उसका एक पेस्ट बन जाता है, पेस्ट फिर हम जिस जगह पे भी हमको लगाना हो वहाँ पे उस पेस्ट को लगाया जाता है। तो इसी के साथ मैं लगाने का भी प्रोसीजर बता देता हूँ कि जो फ्लोर है जिसमें भी हमको सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड यूज़ करना हो। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड है, ये ऐसे नहीं कि बड़े बड़े खड्डे भर देगा, मतलब ये जो अंड्यूलेशन होता है ना, 3 mm तक का, 2-3 mm तक का जो अंड्यूलेशन है, तो उसको बराबर करने के काम का है। इसका मतलब फ्लोर, मतलब पहला जो ध्यान रखना है कि फ्लोर काफ़ी हद तक बराबर बने, फिर भी ये जो 2-3 mm का जो अंड्यूलेशन होता है उसको कवर करने के लिए सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड लगाया जाता है। तो हमने उसको पेस्ट बना लिया पहले, पेस्ट बना करके जहाँ पे भी हमको डाउट होता है कि इधर ज़्यादा ढलान है या यहाँ पे जो खड्डा है, जो गहरा है, उधर से स्टार्ट करना होता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो ज़्यादा बड़े क्रैक्स है या कोई ज़्यादा बड़ा कोई गुमड़ा सा बना हुआ है हमारे राजस्थान में, जिससे ज़्यादा ऊँचा हुआ हुआ कोई पार्ट हो, उसको ग्राइंडर से घिसना होता है, या कोई बहुत ही गहरा कोई खड्डा हो तो उसको सीमेंट से या दूसरी तरीके से उसको फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक प्राइमर आता है। प्राइमर से क्या होता है कि प्राइमर वर्क्स एज अ बॉन्डिंग एजेंट एंड अ सीलर, मतलब वो ये जो सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड है उसको पकड़ने में और जो फ्लोर है उसको सील करने के काम में आता है। तो एक प्राइमर आता है, पहले उसको प्राइमर को पानी में मिक्स करके प्राइमर डालना होता है, फिर थोड़ा प्राइमर जब सूख जाता है उसके बाद ये सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड डालते हैं। जब सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड डालते हैं तो इसके बहुत मज़ेदार बात क्या है कि ये अपने आप ऐसे स्प्रेड होता है, और जहाँ जहाँ खड्डे ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा रुक जाता है, जहाँ पे कम चाहिए वहाँ कम लग जाता है, और थोड़ा उसको तेज़ी से, ताकि नहीं फैलते फैलते में सूख गया तो थोड़ी, क्योंकि सूखता जल्दी है ये, तो एक ऐसे कांटे कांटे वाला, जैसे अपन खेती में जब खरपतवार निकालते हैं तो जो घास वास खींचने के लिए ऐसे आंकड़े सा होता है ना, वैसा एक स्प्रेडर बोलते हैं उसको, लंबी डंडी का, उस स्प्रेडर से थोड़ा उसको आप तेज़ी से चारों तरफ अगर आप फैला देते हैं तो जिस जिस एरिया में ये जाता है वहाँ वहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से एकदम लेवल करके प्रॉपरली सेट हो जाता है।
और बहुत जल्दी सूखता है, तो इससे फ्लोर एकदम ऐसा समझ लीजिए बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं आपने विनाइल फ्लोरिंग लगाई, विनाइल फ्लोरिंग पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग, आपको आइडिया नहीं हो तो मेरे चैनल में और भी वीडियो है विनाइल फ्लोरिंग का, वो जब लगाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पे तो विनाइल फ्लोरिंग एज इट इज रह जाती है, कहीं पे ज्यादा घिस जाती है, ऐसा ना पूरी फ्लोरिंग में ऐसे उबड़ खाबड़ होने की वजह। तो जो हिस्सा ऊंचा रहता है वहां पे पांव की रगड़क ज्यादा लगती है, जो हिस्सा नीचे रह जाता है उसमें पांव की रगड़क नहीं लगती, तो कहीं से घिस जाता कहीं से नहीं घिसता, तो वो नहीं होकर के वो दिखता भी ऐसे वेवी दिखता है। सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड लगा करके आपने अगर विनाइल लगाई है तो बिल्कुल एकदम सीधा और बहुत मस्त लगता है। कारपेट में भी ये काफी काम आता है, कारपेट में भी जब आप चलते हैं कारपेट के ऊपर तो वो जो अंड्यूलेशन की एक फील आती है चलने वाले को वो नहीं आती है, और वुडन फ्लोरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वुडन फ्लोरिंग में क्या होता है कि वुडन फ्लोरिंग के जो प्लैंक्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, तो वो जैसे कभी ऐसी जगह पे आकर के दो जॉइंट मिल गई जहां पे नीचे डिप्रेशन आया हुआ है, तो वहां पे जब आप पांव रखेंगे तो वुडन फ्लोरिंग ऐसे नॉइज करेगी, चींच चींच करके, स्क्वीकिंग साउंड जिसको बोलते हैं, और कभी कभी अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस जगह से वुडन फ्लोरिंग के लॉक्स भी टूट सकते हैं। तो आपको एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म साइलेंट प्यारी एकदम अच्छी वुडन फ्लोरिंग लगानी हो तो आपको पहले फ्लोर पे सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड लगा करके फिर वुडन फ्लोरिंग लगाएंगे अगर, तो ये जो आवाज आवाज आने की जो समस्या रहती है वुडन फ्लोरिंग में ये नहीं आती है और काफी ज्यादा समय तक वुडन फ्लोरिंग की मना परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। विनाइल फ्लोरिंग में तो बहुत ही अच्छा काम करता है, विनाइल प्लैंक लगवाएं या विनाइल फ्लोरिंग के रोल लगवाएं, दोनों में सेल्फ लेवलिंग केमिकल जो है बहुत काम आता और बहुत यूजफुल है। इसमें अलग अलग तरीके के सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड आते हैं, कोई ह्यूमिड एरिया के लिए थोड़ी अलग क्वालिटी आती है, एक्सटीरियर के लिए अलग आती है, इंटीरियर के लिए अलग आती है, तो वो आप अपने आप यूज करने से पहले जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे आप समझ के फिर आप यूज कीजिएगा, और प्रेफरेबली किसी एक्सपर्ट से करवाएं तो ज्यादा बढ़िया है। तो मुझे उम्मीद है ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, आपको लगेगी ये कंटेंट किसी के रिक्वायरमेंट में या किसी को जरूरत हो सकती है तो उनसे शेयर कीजिएगा। बाकी सारी चीजें सब ठीक है, टंका खाना खाना है, पैदल चलना है, एक्सरसाइज करना है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, और हमेशा बोलते रहना है दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।